गाइस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण, ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से लेवल्स ने काम किया, क्या सेटअप पॉसिबली बन सकते हैं। जस्ट अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। संडे को हम डेफिनेटली लाइव आएंगे इस बार और डिटेल में डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल्स और साथ के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स जो वीकली पर आपको दे सकते हैं काफी अच्छे पैसे आपके स्टॉक्स के लेवल्स के साथ। थोड़ा सा मेरी तबीयत नासाज होने के कारण गाइस थोड़ा आवाज में फर्क आपको लगेगा, उसके लिए माफी चाहूंगा, बट द शो मस्ट गो ऑन। तो जैसे कि डेली का वादा रहता है आपको एक वीडियो लाने के, मैं किसी और की वीडियो देख के या पोस्ट मार्केट यूएस की वीडियो देख के वीडियो नहीं बनाता हूँ। मार्केट खत्म होने के साथ ही अपने प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। अभी 3:50 हो रहे हैं, वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन आ सके। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस की। गाइस ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट निफ्टी का। आज जो कैंडल बनी है मोर और लेस इज लाइक अ स्पिनिंग टॉप, नॉट अ परफेक्ट वन, बट स्पिनिंग टॉप इज अ रिवर्सल कैंडल, सो इट विच कैन रिवर्स द ट्रेंड कैन रिवर्स। और मंडे को हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। आप पूछेंगे सर कैसे, बिकॉज ये एक सपोर्ट जोन के ऊपर है। सपोर्ट जोन कैसा, ये देखिए टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके मैंने ऑलरेडी लोगों को बोला था जब ये हिट किया था रिवर्सल आ सकता है, प्लीज बुक योर प्रॉफिट्स। पीपल हैव ब्रोक द प्रॉफिट एंड टोल्ड देम टू बेसिकली मेक न्यू पोजीशन ओनली बिलो 17,700, उसके नीचे आपकी उसके ऊपर कोई पोजीशन बनती नहीं है, या 18,000 के आसपास। तो हमने दोनों काम किए, नई पोजीशन भी हमने बनाई है। ये इन्फॉर्मेशन ट्रेडर्स के लिए है, ना केवल इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स चिंता मुक्त होकर दिसंबर की पुट्स लेके बैठे रहे। मैंने दिसंबर की पुट अराउंड 17,500 की पुट बाय करने के लिए बोला था, समवेयर अराउंड 125-130, 198-200 का हाई मारा है उसने आज। सो उसने एक ही दो दिन में काम कर दिया, लेकिन डोंट वरी, 400-500 के टारगेट हैं 17,500 के दिसंबर एक्सपायरी, अच्छे खासे रिटर्न आपको देखे जाएगी, और अगर आपने इन द मनी ली है तो और भी अच्छा। लेकिन हाँ, बिकॉज 50 EMA है, सब एक उछाल बनता था और उछाल दिया भी, ठीक है। ये बाउंस आना था, आया, इसको टूटने के बाद हमारी एक स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाएगी, सबको पता है वो क्या है, रोलोकोस्टर स्ट्रैटेजी। उसके बाद क्या होगा, सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर 16,115, बीच में हर्डल्स है उसकी बात करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है। साथ के साथ गाइस कल आपको वीडियो में कुछ कहा था टेंशन मत लेना, ये कैंडल लाल कर देंगे, ठीक है। शुरुआत हो चुकी है, एक्चुअली लाल में ही बंद हुई है। अगर आप देखेंगे OHLCB इसका चेक करेंगे तो आप ओपनिंग इज बेसिकली higher than the closing price, the closing is below the opening price, so ye lal ho jayegi most probably, agar ye iska low tod deti hai to aandhi tufan samajh lo. Jis din 17,440 tootta hai uske niche ek acha tufan dekhne ko milega, acha tufan dekhne ko milega. थर्सडे के दिन आपको वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साफ बोला था बड़ी कैंडल की तैयारी कर लो, और साथ के साथ में आपको ये भी बोला था लेवल देते वक्त के गाइस मुझे 180 पॉइंट का कैप फॉल एक्सपायरी के दिन निफ्टी के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, 180 पॉइंट का। अगर आप देखेंगे तो 182 पॉइंट का लो मारा, 182 पॉइंट का निफ्टी ने लो मारा, ठीक है। कल मैंने आपको कोई नो ट्रेडिंग जोन भी नहीं दिया था, वो क्यों नहीं दिया था, क्योंकि एवरी जोन वॉज अ ट्रेडिंग जोन फॉर निफ्टी, नॉट फॉर बैंक निफ्टी बट निफ्टी। कल मैंने बोला था बैंक निफ्टी रिवर्सल ले सकता है, बैंक निफ्टी ऊपर आ सकता है, क्योंकि वो स्ट्रांग था, काफी स्ट्रांग था। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू भी दिखाने की कोशिश करूंगा, परफेक्ट स्पिनिंग टॉप बनाया है। डेली शॉर्ट के ऊपर आ जाते हैं, डेली चार्ट के ऊपर आते हैं, एक परफेक्ट स्पिनिंग टॉप इसने जो है कंस्ट्रक्ट किया है, व्हिच इज आल्सो अ रिवर्सल साइन, व्हिच इज आल्सो अ रिवर्सल साइन, ठीक है। ज्यादा आपको मारो मारपीट देखने को नहीं मिली बैंकिंग सेक्टर के अंदर, क्योंकि मैंने आपको
कल उस हिसाब से ही लेवल दिए थे, और जो लेवल दिए थे सारे लेवल अचीव हुए। सो निफ्टी में भी ये सारे लेवल अचीव हुए, बैंक निफ्टी के अंदर भी सारे लेवल अचीव हुए, ठीक है। अब ट्रेड कैसे करना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, वो देख लेते हैं। निफ्टी 50 पहले देखेंगे कि निफ्टी का चार्ट है, गाइस कुछ दिखाना चाहता हूं आपको वीकली एनालिसिस की बात करके। एक तरीके से देखेंगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन जो वो था ये कर रहा है। और अगर मैं यहां से भी एक लाइन खींच के दिखाऊं आपको, सो डिपेंड करता है ये वाली लाइन को हम कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर 4 टचेस हैं। इसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, इसको हम डिलीट भी कर दें। इसका ब्रेकडाउन इसके हिसाब से हो चुका है, और इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होते वक्त आपको टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी कॉल बनाने की कोशिश करूं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ में, तो क्या निकल के आ रहा है, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पोजीशन। स्टॉपर्स रहेगा इस कैंडल का हाई, ये आपकी कॉल बनती है। रिस्क एंड रिवॉर्ड बनता है गाइस 1:4 का, व्हिच इज अ वेरी नाइस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। यू कैन सर्टेनली गो अहेड एंड हैव इट, एंड यू कैन सी इट वी ऑलरेडी इन द ट्रेड, एंड इट हैज गिवन सम परसेंटेज ऑफ द टॉपिक टारगेट ऑलरेडी, ठीक है। सो ये निफ्टी का एक पोजीशन ट्रेड बन के आ रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई मैंने दिसंबर के पुट आपको लेने के लिए बोला, क्योंकि मार्केट मुझे बेरिश ही दिखाई दे रही है। ओवरऑल उसको नीचे ही आना है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। ऑल दोस बुल्स हु यूज्ड टू बुली मी आर सेंडिंग मी मैसेजेस इंस्टाग्राम पे, टेक्स्ट कर रहे हैं कि सर अब नेक्स्ट क्या होगा, जो पहले बोला करते थे कि यार पागल हो क्या, इतनी थोड़ा ना गिरेगी निफ्टी। अब इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी पोजीशन फंसी हुई निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एनीवेज कर्मा इज अ विच एंड दैट्स व्हाट इट इज। लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। लेवल्स स्क्रैच से बनाएंगे गाइस, स्क्रैच से क्यों बनाएंगे, बिकॉज हमारे पास लेवल्स जो पुराने मेरी स्क्रीन थी वो मैं सेव नहीं कर पाया और ये चले गए लेवल्स। तो आपके लेवल्स क्या बनते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है स्विंग बनता है ये, ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी जो भी पोजीशन बनेगी 17,832 के ऊपर बाइंग की पोजीशन बनेंगी, उसके नीचे कोई पोजीशन नहीं बनेगी। पोजीशन देते वक्त मैं ऐसे वैसे लेवल नहीं आपको फिबोनाची के लेवल देने की कोशिश करूँगा, ताकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके और टारगेट आपको मिल जाए, ठीक है। बहुत ही अच्छा, ये आपके नीचे के टारगेट्स आएंगे गाइस। अगर आपको मंडे के दिन बैंक निफ्टी 17,710, मैं बोलना बड़ा बोलूंगा 17,700 को लेकर चलिए, इसको हम कर देते हैं डिलीट। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन मैं इसके लो पे आ जाता हूँ, 17,700 मान के चलेंगे। इसके नीचे 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है आपको बाय करना है। 17,637, 17,579, 17,516, 17,409 एंड 17,318 नीचे के लेवल आपके लिए रहेंगे। बीच में क्या रहेगी, जी हाँ रहेगी नो ट्रेडिंग जोन
फिलहाल के लिए मैं आपको मंडे के लिए नो ट्रेडिंग जोन जरूर दे रहा हूँ निफ्टी के लिए, और वी नीड टू इंश्योर दैट वी फॉलो दैट। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन यहाँ रहेगी। नीचे के लेवल आपको मैंने ऑलरेडी दे दिए, ऊपर के लेवल्स की अगर हम बात करें किस तरीके के लेवल्स हैं और कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। सॉरी, ओ हो, बहुत ही अच्छे। ठीक बहुत ही अच्छे। ये जो जोन है ना गाइस, 33 से 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, और मुझे शक नहीं, अगर मंडे गैप अप होता है किसी वजह से मार्केट 17,848 के आसपास खुल सकती है, बिल्कुल खुल सकती है। ठीक है, आप बोलोगे सर बहुत बड़ी जोन दे दी है मंडे के लिए, सर इतना ही रहेगा मुझे, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी साइडवेज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट में जो भी करना होगा गैप अप गैप डाउन में ही कर देगा, तो पूरा दिन आपको रुलाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। एक मिनट, करेक्ट, एक ही गाइस ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। मार्केट ऐसे घूम के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगी तो बुलिश हो सकती है दादा, तो आपको जो ध्यान रखना है वो यही रखना है। बाकी इस जोन को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के रूप में देखिएगा, ये वाली जोन मैं रेड कर दूंगा, एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये क्रॉस कर जाता है डेफिनेटली बैंक निफ्टी आपको बुलिश दिखाई देगी, 1787, 1740, 18,000, 18,116, 18,206 इसके ऊपर जाते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, चांसेस कम है मार्केट नीचे के, चांसेस यहाँ पर मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे के लेवल, ऊपर के लेवल मैंने आपको दे दिए। ठीक है, ये रहेंगे निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी की बात करते हैं और खोल लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हिसाब किताब है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा इस, तो ये डेली का एनालिसिस ऑलरेडी हो रखा है। एक्चुअली ये 4 आवर्स के या 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मेरा एक ट्रेड है जो चालू है। ठीक है, इसने भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे दिया है, और इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी ये बहुत ही ज्यादा वीक है, और टारगेट अभी तक नहीं आया है इसका। ये ट्रेड बिल्कुल ऑन है, चल रही है, और नीचे की तरफ के लेवल्स अभी भी इंटैक्ट हैं। ठीक है, अगर मैं चलूं आपके 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ताकि आपको मंडे के लिए लेवल दे सके, पोजीशन वाइज में मेरी पोजीशन तो नीचे की तरफ बनी ही हुई है। ठीक है, मैं इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो और लेवल्स आपको दिख जाए ऊपर और नीचे के क्या लेवल है। स्क्रैच से बनाएंगे एक्चुअली लेवल्स, शुरुआत करेंगे। ग्रैंडफादर,
Levels for Nifty and Bank Nifty. Enough, ये जाएंगे ऊपर और निफ्टी मंडे को निफ्टी से ज्यादा मोमेंटम दे सकती है। आई रिपीट, बैंक निफ्टी मंडे को निफ्टी से ज्यादा मोमेंटम दे सकती है, तो वॉच आउट कीजिएगा। ये हमारी नो ट्रेडिंग जोन रहेगी। ओके भाई, मेरी आंखों में क्यों लग रहा है कलर बहुत ही ज्यादा, तो उसको चेंज करके कुछ सूदिंग कलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देते हैं। ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगी, इसके नीचे 5 मिनट की एक कैंडल या 15 मिनट की दो कैंडल क्लोज होती हैं। बाय कीजिए 37,000 के बाद आपका जो लेवल आएगा वो होगा एब्सोल्युटली 100%। ठीक है, वो होगा 37,439। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपको टारगेट थोड़े बड़े दिखाई देंगे। 37,752 के नीचे 37,439, 37,137, 176, 36,812, 36,376 एंड 36,013 के लेवल नीचे की तरफ दिखाई देंगे आते हुए। अगर मार्केट आपको किसी वजह से ऊपर के लेवल दिखाते हैं तो उसके भी टारगेट आपको मिल जाएंगे। ओके, 38,494 के ऊपर, 38,871, 39,129, 39,486 ऊपर के लेवल छोड़ ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऊपर जाने के लिए। रिवर्सल होगा भी तो मैक्सिमम ऊपर जाके मार्केट आ जाएगी आपकी नीचे की तरफ। अगर रिवर्सल होगा भी तो मैं बताऊं कितना परसेंट हो सकता है। मैक्स टू मैक अगर एक पुल बैक लेता भी है, अगर एक पुल बैक लेता भी है तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, 36,600 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। सो मेजर जो रिवर्सल है आपका इस लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 600 तक मैक्सिमम जा सकती है मार्केट, उसके ऊपर मुझे कोई उम्मीद जाते हुए नहीं दिखती है मार्केट की। 37,600 इज द मैक्स द मार्केट कैन रिवर्स इफ इन केस इट्स रिवर्सिंग, अदरवाइज नो ट्रेडिंग जोन के यहीं से मार्केट रिवर्स होकर नीचे के लेवल आपको दिखा सकती है। लॉन्ग वीकेंड है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कल मार्केट हो सकता है 38,000 ऊपर, यहाँ ऊपर जाके वापस भी आ जाए। ठीक है, बिकॉज 3 दिन मार्केट बंद है तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट फ्राइडे के दिन हमारी मार्केट बंद है लेकिन डाउ जोन्स एंड एक्सचेंज निफ्टी खुला है, तो आपको पता लगता रहेगा कि क्या हो रहा है। अपनी नींद खराब मत कीजिएगा, इवेंचुअली मार्केट को नीचे जाना है। वो मैं काफी दिनों से चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, तो अगर फिर भी अगर आप शॉर्ट कॉल की पोजिशन बना के गए हैं तो सर भगवान मालिक है, कुछ कर नहीं सकते। बाकी टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे फॉर श्योर। होल्ड कीजिए दिसंबर की कॉल पुट। ठीक है सर, बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम संडे के लाइव के अंदर। लेवल्स को वीकली एनालिसिस किस तरीके से काम कर रहा है आपके स्टॉक के लेवल भी। ठीक है, एक और चीज जो मैं भूल गया बताना, 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, आज की ये मार्केट थी 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर एक इंडिकेटर कभी मत भूलना लगाना गाइस, बोलिंग मैन स्ट्रैटेजी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। मार्केट बाहर गई क्या करेगी, अंदर आएगी मिड बैंड, देखो अंदर आ गई मिड बैंड, वापस गई अंदर आई मिड बैंड। अब आपको एक चीज बताता हूँ, आपको बचाया कैसे। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनी थी, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल, फेक ब्रेकआउट देके नीचे आई। क्यों आई है, बोलिंजर बैंड अगर लगा के रखा होता तो आपको पता लग जाता कि देखो इसके ऊपर कोई स्कोप था ही नहीं जाने का, इसके ऊपर कोई स्कोप था ही नहीं जाने का। और मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकली, बाहर निकली, बोलिंजर बैंड ने रेजिस्टेंस दिया, नीचे आ गई मार्केट। ठीक है, बोलिंजर बैंड यूज करोगे तो पैसा बचा सकते हो। संडे को एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लाइव होगी स्ट्रैटेजी की, बोलिंजर बैंड क्या है, बोलिंजर बैंड कैसे यूज करते हैं, और बोलिंजर बैंड की दो स्ट्रैटेजीज जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन काफी लोगों को देखने को नहीं मिल रही है, वो ढूंढ रहे हैं तो
वो क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको डेली एनालिसिस वीडियो के अंदर बताई है, तो थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल है। एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपके लिए डाल दूंगा, बोलिंजर बैंड कैसे यूज करें, कहाँ यूज करें, कब यूज करें, कौन से टाइम फ्रेम में यूज करें, और उसकी जो दो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह की है। तो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितने फॉलोवर बढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आने का। ठीक है गाइस, फिर मुलाकात होगी संडे को लाइव सेशन के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Bye-bye.